हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पी सिंगला। हम क्लास 9th की मैथ्स कंटिन्यू कर रहे थे, उसमें ही हम लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स पे हमने दो वीडियो बनाई थी, तो उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हुए टॉपिक वन एक्सरसाइज 1.5 से पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं उन पे हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जैसे ये वाली डेफिनेशन दे रखी है, दीज एग्जाम्पल्स में लीड फॉलोइंग फैक्ट्स, तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, दैट सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो इस चीज को डिस्कस करते हैं, जस्ट सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या होता है, हमारा इरेशनल है। पहले मैं सम के बारे में बात करती हूँ कि सम का मतलब क्या होता है, एडिशन। एडिशन और वो भी किसका, एक रेशनल नंबर लेना है हमें और एक इरेशनल नंबर। जैसे मैंने सपोज एग्जांपल के जरिए बताती हूँ, मैं फर्स्ट एग्जांपल ले लिया 2+√3, हमें पता है फर्स्ट वाला इरेशनल नंबर है, सेकेंड वाला इरेशनल नंबर है। तो जब भी हमारे दो डिफरेंट नंबर होंगे तो डिफरेंट का मतलब एक रेशनल नंबर होगा और इरेशनल एक इरेशनल होगा, तो दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो हमारा जो रिजल्ट आएगा ना वो इरेशनल ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे हर कोई भी नंबर है अगर एक रेशनल है और एक इरेशनल है, तो इसलिए ये तो मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिया और यहाँ पे हमारा फैक्ट ही लिखा हुआ है कि द सम और अब ये तो सम के बारे में बात करती है, अब डिफरेंस के बारे में भी चेक कर लेते हैं कि जैसे सपोज 3 ले लिया एक -√7, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है और ये हमारा रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक रेशनल और एक इरेशनल का सम अगर लेते हैं तो वो रिजल्ट हमारा इरेशनल आता है। सेकंड में हमने क्या ले लिया, एक रेशनल लिया और एक इरेशनल लिया, अगर उन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो कहने का मतलब है कि इन्हीं दोनों एग्जाम्पल से ऐसा, ये तो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लिया और ऐसे हर एग्जाम्पल्स के लिए होता है, यानी कोई भी नंबर ले लूं रेशनल और इरेशनल, उन दोनों को ऐड करूं तो हमारा इरेशनल आएगा, ऐसे ही रेशनल और इरेशनल लूंगी उन दोनों का तो उन दोनों का डिफरेंस भी हमारा इरेशनल आएगा। तो कहने का मतलब है इन दोनों से देखते हुए ऐसे हर नंबर के लिए फॉलो करेगा ये रूल, तो हम बना देंगे द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर हमारा क्या आएगा, ऑलवेज इरेशनल आएगा, ठीक है। ये तो सम और डिफरेंस की बात थी, अब हम प्रोडक्ट और क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट और क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ये द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, एक रेशनल नंबर लिया है, प्रोडक्ट पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, द प्रोडक्ट और क्वेशेंट, क्वेशेंट मतलब वही डिवीजन ऑफ अ नॉन जीरो, क्वेशेंट जब भी हम बात करेंगे ना तो वो नॉन जीरो नंबर रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, विद एन इरेशनल, मतलब एक रेशनल नंबर की पहले प्रोडक्ट की बात करें तो एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर के जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन में बात करेंगे लेकिन डिवीजन में हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो तो नॉन जीरो रेशनल होना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या आएगा, दोनों में ही इरेशनल आएगा, ठीक है। अब देखो ये रेशनल नंबर है हमारा, जैसे एग्जाम्पल ले लिया 2√7, तो इसमें 2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, और अंडर रूट सेवन हमारा है इरेशनल नंबर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, ये वाला जो नंबर है हमारा, ये हमारा इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। ऐसे अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ये क्वेश्चन वाला है, इसमें नॉन जीरो ही नंबर है नीचे, तो एक ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल है, तो रेशनल डिवाइड बाय इरेशनल, तो आंसर क्या आएगा हमारा, इरेशनल, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है। द प्रोडक्ट और क्वेश्चन ऑफ अ नॉन, तो इन दोनों एग्जांपल्स को देखते हुए, ये तो हमने पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिए थे, अब हम क्या करेंगे, इन्हीं को देखते हुए हमने जनरल फैक्ट बना लिया, द प्रोडक्ट और क्वेश्चन ऑफ अ नॉन जीरो इरेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल आंसर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ वी एड सब्ट्रैक्ट, ये लास्ट वीडियो में हमने कर लिया था, इफ वी एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवीजन टू इरेशनल्स, इसके लिए हमने लास्ट में बहुत सारे एग्जांपल दिए थे कि अगर हम ऐड करें दो इरेशनल्स को, तो जरूरी नहीं है उनका जो एडिशन है वो इरेशनल ही आए, कहने का मतलब है कि वो उनका जो एडिशन है, मतलब दो इरेशनल्स का ऐड हमारा रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी, तो ओके इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, √6 और -√6 एग्जांपल लिया था, वो √6 ले लो या √5 ले लो,
तो मतलब इरेशनल होना चाहिए, तो दोनों इरेशनल थे, उन दोनों का सम हमारा क्या था, जीरो, जो कि रेशनल है ये हमने लास्ट वीडियो में देख ही लिया था, फिर भी मैं बता देती हूँ। दूसरा तो रूट थ्री है माइनस रूट थ्री है, ये दोनों ही रेशनल है, इन दोनों का डिफरेंस भी हमारा क्या है, रेशनल है। यहाँ पे मैंने कॉन्ट्राडिक्शन वाले लिए क्योंकि हमारा कॉन्ट्राडिक्शन, मैं एक भी नंबर ऐसे एक भी पेयर ऐसा दिखा दूँ कि दोनों ही रेशनल है लेकिन उनका डिफरेंस और उनका एडिशन रेशनल है, तो ये दोनों हमारे क्या है, तो फिर हमारा ये फैक्ट जो है ये इसीलिए बन गया हमारा कि अगर हम ऐड करें, इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवीजन टू इरेशनल, तो रिजल्ट जो होगा रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। ऐसे रूट 19 डिवीजन मल्टीप्लीकेशन के लिए देखते हैं, तो रूट 19 और रूट 19 ले लेंगे, तो जब भी हमें दोनों में रूट सेम में नंबर सेम होता है तो हमारा सिर्फ 19 आएगा, विच इज रेशनल। तो ये सारे क्या है, रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। और जैसे ये 23 रूट 23 है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 1 विच इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ओके, तो इससे क्या होगा, ये वाला फैक्ट हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा इन फोर एग्जांपल्स को देखते हुए। अब हम देख लेते हैं आगे का कि लेट ए एंड बी पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो हमारे क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं। ये एक तरह से नोटेशन है कि जैसे अगर कोई नंबर है, दोनों ए और बी हमारा रियल नंबर है, पॉजिटिव नंबर है और वो भी रियल नंबर है, अंडर रूट के अंदर अगर ए बी लिखा हुआ है तो मैं इनको ना सेपरेट भी कर सकती हूँ, रूट ए इंटू में रूट बी। एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं, जैसे रूट सिक्स है, ठीक है, रूट सिक्स है तो यानी रूट टू और रूट थ्री लिखा होगा इनका, तो इसका मतलब मैं रूट टू को अलग लिख सकती हूँ, मल्टीप्लीकेशन में ही रूट थ्री लिख सकती हूँ। तो ऐसे कई सारे हम मतलब ब्रेक कर सकते हैं और वो भी सेपरेट कर जाएंगे, सेपरेट कर देंगे। अगर रूट के अंदर ही दो नंबर मल्टीप्लीकेशन में आए तो दोनों का के लिए रूट मैं सेपरेट लिख सकती हूँ। ऐसे ही ए और बी हमारे रियल नंबर है, तो अब इनके लिए जैसे सपोज 5/7 लिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि रूट 5/ में रूट 7 लिख सकते हैं, दोनों के लिए सेपरेट हो गया। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, जनरली अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी, ठीक है, ये एग्जांपल ले लिया हमने। तो ऐसे दोनों के लिए, यहाँ पे रूट क्या है, सिंगल रूट लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे दोनों में मैंने सेपरेट कर दिया, तो ऐसे कर सकते हैं हम। ये ऐसे हेल्प, ऐसे तो इसकी जरूरत ज्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में होती है, तो वहीं पे हम देखेंगे जब हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन बस अभी के लिए इतना याद रखो कि ए बाय बी अगर सिंगल रूट लगा हुआ है तो उनपे हम सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कि अंडर रूट ए और अंडर रूट बी है, यानी ये एक तरह से इससे बेटर फॉर्मूला ये होता है, एक जनरल फॉर्मूला मैं दिखा देती हूँ कि अगर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है और सेकेंड में ए माइनस बी है, तो हमारा क्या होगा, इस पहले वाले नंबर का मतलब दोनों के नंबर सेम है लेकिन सिंबल इनमें मतलब जो ऑपरेशन है वो डिफरेंट लग रहा है, एक में प्लस लग रहा है एक में माइनस लग रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाला नंबर जो है ना इसी का स्क्वायर कर दो और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इन दोनों पे इन जो सेकंड नंबर है उसका स्क्वायर लिख दो, तो ये फॉर्मूला बन जाता है कि दोनों में नंबर सेम है बस ये ऑपरेशन डिफरेंट है, यानी एक पे प्लस है और एक पे माइनस है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे क्या है, हमारा ए था, यहाँ हमारा ए था, यहाँ भी ए था, तो अब यहाँ पे ए की जगह कोई भी नंबर बैठा हो, दैट मीन्स रूट बैठा हो चाहे ए का स्क्वायर बैठा हो, तो भी हमारा फॉर्मूला यही रहेगा, बस इस ए की जगह जो भी फर्स्ट पोजीशन पे वही नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे रूट ए प्लस बी अंडर रूट बी है और यहाँ पे अंडर रूट ए माइनस बी है, तो ये देख नंबर दोनों तरफ सेम है बस ऑपरेशन डिफरेंट है, तो हमने क्या पढ़ा था उसके लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे ए की जगह पे बैठा कौन हुआ है, अंडर रूट ए, ठीक है, माइनस अंडर रूट बी इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल गेट ए माइनस बी। ओके, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लिया हमने, रूट थ्री और रूट थ्री है, दोनों देखो रूट थ्री प्लस रूट टू है, इधर रूट थ्री माइनस रूट टू है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे, दोनों नंबर सेम है बस ऑपरेशन डिफरेंट है, तो पहले वाला नंबर लिखा इसका स्क्वायर लगाएंगे, माइनस रूट टू लेंगे और इसका स्क्वायर लगाएंगे, बिल्कुल वही जो हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था उसी को देखते हुए। तो यहाँ से ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 - 2 वी विल गेट 1। ओके, तो ऐसे करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर एग्जाम मतलब ऐसे करके हमारी इस पूरी एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब एक यहाँ पे क्या था, अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, रूट ए प्लस रूट बी है और इधर एक ब्रैकेट में रूट सी प्लस रूट डी, एक तो दोनों में ऑपरेशन तो सेम है
लेकिन यहाँ पे क्या है, नंबर चारों के डिफरेंट है, तो हमारा क्या आएगा, क्योंकि डिफरेंट है तो फर्स्ट वाले को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फर्स्ट वाले को जब ए से मल्टीप्लाई, सी से मल्टीप्लाई करेंगे रूट सी से, तो अंडर रूट ए और इनटू में अंडर रूट सी, और हमने ये रूल पढ़ा था कि रूट, इधर मैं अलग से करके दिखा देती हूँ, रूट ए प्लस रूट बी सेकेंड ब्रैकेट में है रूट सी प्लस रूट डी है, तो आपको पता है ये रूट ए लेंगे इधर से और ये पूरी ब्रैकेट इधर लिख देते हैं रूट सी प्लस रूट डी, फिर रूट बी ले लेते हैं इधर से और इस पूरी ब्रैकेट को इसके ब्रैकेट में रख देते हैं रूट सी प्लस रूट डी, तो वी विल गेट रूट ए इंटू में रूट सी प्लस रूट ए इंटू में रूट डी प्लस रूट बी इंटू में रूट सी प्लस रूट बी इंटू में रूट डी। तो अभी हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर रिजल्ट ये था हमारा कि जैसे रूट ए इंटू में रूट बी है तो क्या कर सकते हैं, उनको सेपरेट ये कर सकते हैं, या फिर ऐसे हो, दोनों वाइस वर्सा भी ट्रू है ये, कि अगर ऐसे कोई नंबर है तो मैं इनको ऐसे लिख सकती हूँ, है ना, तो वही वाली बात है, अगर ऐसे है तो इस तरीके से लिख सकते हैं और इस तरीके से है तो हम ऐसे सेपरेट रूट लगा सकते हैं। यहाँ पे सेपरेट रूट है तो कैन आई राइट दिस एज ए सी और कैन आई राइट दिस एज रूट ए डी, तो रूट बी सी हो जाएगा इसका, बिल्कुल लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये रिजल्ट हमने पहले ही पढ़ा, तो ये रिजल्ट हमारा इससे आ जाएगा सोल्व करेंगे तो, रूट ए सी यहाँ से देख सकते हैं, रूट ए सी, रूट ए डी, रूट बी सी और रूट बी डी, तो ये चारों आ गया। अब इसी पे ये एग्जांपल है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और इस वाले का फर्स्ट और इस वाले का फर्स्ट, 5 3 15 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा ए डी, फर्स्ट का डी के साथ ही कितना हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, इधर से सेकेंड वाले का बी और सी, तो बी और सी ये है हमारे, तो रूट 21 आ जाएगा और इधर से रूट 14 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ओके ये कर सकते हैं क्वेश्चंस ऐसे हर मतलब यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे ए प्लस रूट बी है और ए माइनस रूट बी है, यहाँ पे क्या है, रूट इस पे नहीं लगा हुआ, इस पे लगा हुआ है, तो वही जो जनरल फॉर्मूला है ना, फिर मैं अगेन दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, तो हमारा पढ़ा था हमने फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकेंड वाले का स्क्वायर, तो अब यहाँ पे क्या था हमारा, ए प्लस रूट बी है और यहाँ पे क्या है, ए माइनस रूट बी, बस कहने का मतलब है कि ये वाला नंबर, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, ये नंबर और ये नंबर सेम होने चाहिए और ऑपरेशन डिफरेंट है, तो पहले वाले का स्क्वायर, पहले पे जो भी बैठा हो, ए बैठा है पहली पोजिशन पे तो इसी का स्क्वायर, माइनस सेकेंड पे जो भी नंबर बैठा है उसी को लिखो और इसका स्क्वायर करेंगे, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ए स्क्वायर ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर रूट से, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो वी विल गेट ओनली बी, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। अब नेक्स्ट और देख लेते हैं, इससे ये सारे हो गए, एक रैशनलाइजेशन और चेक कर लेते हैं हम, जैसे ये अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने के लिए, इसके लिए एक और देख लेते हैं बस, रूट जैसे जनरल फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वैसे ये आइडेंटिटीज हैं, इन आइडेंटिटीज को हम चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं जो फर्स्ट चैप्टर में आ रही हूँ उन्हीं के लिए उतना ही समझा रही हूँ अभी। तो एक हमारा ये आइडेंटिटी हमने पढ़ा हुआ है, 7th 8th में ये आ जाती है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, क्योंकि सारे ये बीच में पॉजिटिव सिंबल है और इसका होल स्क्वायर पूछा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब यहाँ पे क्या है, रूट ए है, ये कहने का मतलब है फर्स्ट पोजिशन पे जो बैठा है उसका स्क्वायर, सेकेंड पे जो बैठा है उसका स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू में फर्स्ट पोजिशन इंटू में सेकेंड पोजिशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड पोजिशन पे जो बैठा है उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू में फर्स्ट पोजीशन इंटू में सेकंड पोजीशन, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो वी विल गेट सिंपली ए प्लस बी और 2 और ये दोनों मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ सिंगल रूट के अंदर, तो रूट ए भी हो जाएगा। अब ये आइडेंटिटी हमने पीछे देख ली थी, ठीक है, ओके। अब रैशनलाइजेशन देखते हैं, रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या होता है, जैसे 1/√2 है, तो ये p/q की फॉर्म में है, तो ये जो q है ना, इसका हम रैशनलाइजेशन करते हैं, कैसे करते हैं, फर्स्ट देख लेते हैं, 1/√2 है, तो ये अगर क्वेश्चन है तो इसको क्या करेंगे, 1/√2 लिखने के बाद जो भी नंबर नीचे है ना, इसी को ऊपर नीचे दोबारा लिख देंगे, तो वी विल गेट √2 ऊपर से भी और नीचे से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, रूट टू, और रूट टू को जब भी सेम रूट के अंदर, ऐसे हो सकता है एक जनरल रूट एम और रूट एम, यानी रूट के अंदर दोनों सेम नंबर है तो हमारा सिर्फ एम आ जाता है, तो रूट टू और रूट टू है तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाला देख लेते हैं रेशनलाइजेशन में, 1/√3 है, यहाँ पे देखते हैं ढंग से कि यहाँ पे हमारा ऑपरेशन भी लग गया है दो नंबर्स के बीच में, तो हमारा क्या होगा, ये जो ऑपरेशन है ना,
इसी का डिफरेंट ऑपरेशन आना, यानी ये अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर यहीं पे माइनस होता पहले से ही तो ऊपर वाला प्लस लेते। तो इसके अपोजिट साइन से हमें नंबर सेम रखते हुए यानी टू, तो टू माइनस रूट थ्री और टू माइनस रूट थ्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जब मैं इसको वन से मल्टीप्लाई करूंगी तो टू माइनस रूट थ्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्म बन गई, तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर पे जो भी बैठा है सेकेंड पोजिशन पे उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो टू माइनस रूट थ्री ऊपर तो सेम ही रहा, नीचे टू टू जा फोर, और यहाँ से ये कट गया स्क्वायर से रूट, तो फोर माइनस थ्री, तो वी विल गेट टू माइनस रूट थ्री अपॉन में वन। ये अपॉन का वन ड्रॉप भी कर सकते हो आप लिखना, तो इतना भी रह सकता है। तो क्या आ जाएगा आंसर, टू माइनस रूट थ्री। एक लास्ट और देख लेते हैं, फाइव अपॉन में रूट थ्री माइनस रूट फाइव है, तो क्या हो जाएगा, फाइव अपॉन में रूट थ्री माइनस रूट फाइव लिखेंगे। अब ऑपरेशन यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों नंबर को लिखेंगे पहले और ऑपरेशन डिफरेंट लगा देंगे, और जो ऑपरेशन यहाँ पे लगाया फिर वही नीचे रखेंगे, मतलब सेम से करना है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो हमें क्या मिल जाएगा, फाइव इंटू में रूट थ्री प्लस रूट फाइव, और नीचे क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस रूट फाइव सेकेंड का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट गया, इधर भी स्क्वायर से रूट कट गया, तो फाइव इंटू में रूट थ्री प्लस रूट फाइव, और नीचे कितना हो जाएगा, थ्री माइनस फाइव दैट इज माइनस टू, तो वी विल गेट माइनस फाइव अपॉन में टू, और यहाँ पे रूट थ्री प्लस रूट फाइव। ठीक है, ओके गाइज, ये हमारी एक्सरसाइज 1.5 के पहले का जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे और जितने भी थे सारा क्लियर हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम 1.5 करेंगे। थैंक यू गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।